हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेट में धड़न या नाभि खिसकना के लक्षण, नुकसान और खतरे क्या होते हैं। दोस्तों, नाभि के 7 सेंटीमीटर नीचे एक अंडाकार नुमा तंत्रिकाओं का एक गोला पाया जाता है। ये तंत्रिकाएं आपके पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो आपके नाभि के अंदर जो ये गोला होता है वो टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि नाभि के गोले को बीचों बीच रखने का कार्य करता है। लेकिन किसी कारण से इस उत्तक में खिंचाव यदि आ जाए तो आपके नाभि का गोला खिसक सकता है, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे नाभि उतरना, नाभि खिसकना, धरन पड़ना या धरन चढ़ना। दोस्तों, नाभि का गोला अपने स्थान से यदि ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसक जाए तो आपको पेट में दर्द, ऐंठन, दस्त लगना, कब्ज होना, शरीर में कमजोरी, टांगों में दर्द, ऐसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अधिकांश केसेस में पुरुषों की नाभि बाईं तरफ ज्यादा सरकती है और स्त्रियों की दाईं तरफ ज्यादा टलती है। तो बाईं दाईं ऊपर नीचे नाभि सरकने से आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। सबसे पहले यदि आपकी नाभि ऊपर की तरफ सरक गई है, यानी नाभि का स्पंदन आपको ऊपर की तरफ फील हो रहा है, तो ऐसा होने से आपके लीवर में कमजोरी आती है, आपके आमाशय के यानी स्टमक के कार्य कमजोर होने लगते हैं, आपका पाचन बिगड़ता है, इनडाइजेशन या अपचन की समस्या आपको अधिक रहने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि नाभि ऊपर की तरफ सरकी हुई है तो इससे आपके फेफड़ों और दिल पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। यदि आपके साथ बार बार होता है तो आपको डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, थायराइड जैसी समस्याएं आने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा पेट में गैस अधिक बनती है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है। यदि नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो इससे आपको या आपके मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय आदि अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको पेट संबंधित रोग ज्यादा रहते हैं, पेट में दर्द होना, ऐंठन, मरोड़ आना। इसके अलावा यदि आप महिला हैं तो आपको गर्भ धारण करने में भी समस्या आ सकती है। यदि नाभि बाईं ओर खिसकती है, यानी लेफ्ट साइड में खिसकती है, तो इससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, कफ जनित रोग जल्दी जल्दी होते हैं। यदि नाभि दाईं ओर सरक जाती है, यानी कि राइट साइड में, तो इससे आपको गलन, छाले, एसिडिटी, इनडाइजेशन या अपच होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों, ये थे नाभि के ऊपर नीचे बाएं दाएं तरफ सरकने के नुकसान क्या होते हैं या क्या आपको समस्याएं आ सकती हैं। नाभि सरकने की पहचान कैसे करें और ठीक करने के उपाय हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं। यहाँ हमारा मकसद था कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको ये बताना कि नाभि सरकने के नुकसान या खतरे क्या हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।